हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 30 भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसमें मनुष्य प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सबका विस्तार देखता है, उन सबका विस्तृत रूप देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रभु कहना चाहते हैं, सब प्राणियों के शरीर एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, एक ही प्रकृति में स्थित रहते हैं और एक ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जो इस प्रकार देखता है, इस प्रकार अनुभव करता है, उसका प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। वह प्रकृति से सर्वथा अतीत होकर परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है और परमात्मा को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।